क्या बच्चे बेचारे डिप्रेस हो गए हैं आगे लॉकडाउन में, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में नहीं लगता मन मामा, जिनका नहीं मन लगता उनको जबरदस्ती पढ़ाई में मन लगवाने की जरूरत नहीं है, हमको अपनी जिंदगी जीने दो बच्चों को। आज का व्लॉग मैं ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ, हर व्लॉग मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, कोई टॉपिक नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो ऐसे स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो मैंने सोचा आज के व्लॉग के लिए मैंने सोचा कि आज हम कहीं पे जाएं ऐसे मैं और मेरी छोटी बहन घूमने, मैं और मेरी बहन कितनी दूर जाएंगे पैदल घूमने, तो ऐसे कहीं आसपास घूम के आ जाएंगे। पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूं फिर करते हैं कुछ। ये जो है ना ये मम्मा ने पूना बनाया हुआ है, ये मेरी फ्रॉक थी, गोड़े तक आती थी फ्रॉक, तो मैंने क्या किया इसके तीन पार्ट कर लिए, एक ऊपर वाला पार्ट जो है उसकी क्रॉप टॉप बना लिया, मैं आपको उसको फोटो दिखाऊंगी कहीं पे, तो दूसरा पार्ट जो ये था ना इसका मैंने पर्दा बना लिया था, इसके अंदर वाली जो लाइनिंग होती है ना, ये नीचे स्कर्ट है ना ऐसे स्कर्ट थी ये, तो इसके अंदर जो लाइनिंग होती है ना वो उसका मैंने बना दिया स्पेगेटी व्हाइट कलर की, वो भी मेरे पास अंदर पड़ी, वो भी दिखाती हूँ। मेरे भाई ने बनाया आलू, उसको ऑन करने में इतना डर लगता ना यार, क्योंकि मेरे को इससे बड़ी बार करंट लगी है। दही खाना पर मेरे को दही खाने का मन नहीं कर रहा, मेरे को चाय पीनी है, वैसे देसी चाय खतरनाक नहीं है, अंग्रेजी चाय खतरनाक होती है, तो इसलिए मैं देसी चाय फुल्का और आलू खाऊंगी। शक्ल से तो बेकार लग रहे हैं, पता नहीं क्या बनाया इस लड़के ने। ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, सॉरी मैं भूल गई, मैं तो आपको दिखाती रहती हूँ खाना वहाँ मैं इसमें दिखाती रहती थी, घर पे आके शायद मैं पहली बार दिखा रही हूँ आपको, दिखाते हैं ना आज हम ये खा रहे हैं, दिन को ये खाएंगे रात को वो खाएंगे, चलो आज मैं यही दिखाती हूँ आज मैं पूरे दिन क्या क्या खाती हूँ, ठीक है इंटरेस्टिंग है ना, कौन इंटरेस्टेड होगा देखने को कि मैंने पूरे दिन क्या खाया क्या हगा क्या पिया क्या नहाया। यार मेरे भाई ने इतनी मिर्च भी डाली है ना आलू में, तो थप्पड़ मारू ना उसको, मैंने उसको बोलता लाइट आलू बनाना, यार खाते खाते मेरे को इतना दर्द हुआ ना टांग में, ये देखो यार ये देखो क्या पिंपल हो गया इतना बड़ा सा, मुंह पे होते हैं अब तो गोड़ों में भी होने लगे, अब इसको भी फेस वॉश लगाऊं क्या पिंपल वाला। मेरी बहन पूरी कोशिश कर रही है चोमो के क्यूट फोटो खींचने की, ओ पिंगे देख एक आंख से तेरे को देख रहा है, एक आंख से मेरे को देख रहा है, फुल मतलब कोई नाराज नहीं, मेरे मालिक दोनों नाराज नहीं हुए थे। देखो मैंने इतनी रोटी खाई है अभी, सॉलिड वाला पेट दर्द हो रहा है, मतलब आईबीएस का सबसे बड़ा दुख, मतलब एक वन ऑफ द दुख, खाते खाते आपको शदीद पेट दर्द होने लगता है, और कभी भी आपको पोटी आ जाती है खाने के बीच में, मतलब आप शादियां वादियां अटेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब आप फिर क्या शादी में जाओगे क्या खाओगे वहां पे कुछ, ब्रेकफास्ट करो तो भागो टॉयलेट, लंच करो तो भागो टॉयलेट, पानी पी लो तो भागो टॉयलेट, कुछ कर लो भागो टॉयलेट, पर मैं क्या करती हूँ कि मैं ना कंट्रोल कर देती हूँ, यार नहीं भाई नहीं करनी है इतनी पोटी एक दिन में यार, इसलिए मैं अब खा रही हूँ मजबूरी में, खाते खाते भी एंग्जाइटी होती है। सुंदर दिख रहा है यार, अच्छा तू क्या रहा है धीरे धीरे शिकार के पास चल बगे से, अच्छा चोमू जो है ना चोमू सर्वेक्सल से ना आ रहा है फिर भी चोमू से खुशबू आ रही है, सॉरी कोको सॉरी कोको सर्वेक्सल से ना आया फिर भी कोको से खुशबू आ रही है, ये जनाब एक्सपेंसिव 500 रुपए के साबुन से नहाया फिर भी इससे बदबू आती है, क्या करें कुछ बताओ सोल्यूशन कोई इसके लिए, परफ्यूम फुसफुस पास वो टॉम एंड जेरी में नहीं टॉम डालता है परफ्यूम, नहीं तो अरे वो लड़की को इम्प्रेस करने जाता परफ्यूम नहीं डालता, मुश्क मारता होगा, अरे हाँ डालता होगा, इसके लिए भी एक परफ्यूम ले आते हैं ठीक है, फ्रेंडशिप करो चलो फ्रेंडशिप करो, अरे यार इसको कैसे रियलाइज करेंगे ये भी जिंदा है, ऐसे यस पता चल रहा है इसको, चोमू मुझे सर्वाइकल की एक्सरसाइज क्यों करता रहता है, सॉरी कोको यार मैं कोको को आजकल चोमू बोलती रहती हूँ, छोड़ यार चोमू यार बस इसको पीछे कर यार, मैं नहीं देती हूँ अपना कोको, जा यहाँ से, चोमू क्या कर रहे हो यार, ये चाटता ना कुछ होता है जीव सा, क्या इसकी जीभ रेगमार जैसी है ना यार, ये तो स्क्रिप्टेड हो गया पता है, मैं खाना खा रही थी ना तो उसने लाइन बोली तो मैंने बोला चलिए लाइन वापस बोल, इससे भी नहीं बोली गई और वैसे भी सही से मतलब थोड़ी नकल कर दी हमने, रिपीट करके स्क्रिप्टेड कर दिया, स्क्रिप्टेड में मजा नहीं आता पता है। तो मम्मा ने मेरे को इसमें दवाई डाल के दी क्योंकि ये डॉक्टर ने बोला है भाई कुट के खानी है, तो ये रोज कुटनी पड़ती है, तो चुप कर बोल रही हूँ ना मैं डायलॉग, तुम्हें को डायलॉग बताएगी ब्लॉगर में हूँ, तो रोज कुटनी पड़ती है, तो मम्मा ने मेरे को एक ही बार में सारी कुट के इसमें डाल के दे दी, और ये इतनी गंदी दवाई है ना ये कसम से, मतलब ये खा के दिल करता है मर जाए, ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं ना तो इस कागज का सही प्रयोग हो रहा है, इसमें वाले पेपर लिखो फिर बाद में इसको बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल करो, यार आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में यही फर्क है, आयुर्वेदिक ऐसी होती है और होम्योपैथिक ऐसी, मतलब इससे अच्छा तो कोयला होता है यार, अच्छा हमने खा के देखे, अरे यार जब हम सर्दियों में आग जलाते हैं ना तो उसमें से मैं थोड़ा सजी वजी कोयला कोयला खा लेती होती थी, मुझे कुछ मीठा खाना पड़ेगा, होम्योपैथिक दवाई खा लेती हूँ ऊपर, सिर्फ दो खाऊंगी, अब जब दिवाली होगी ना तुम्हारे घर में कोई आएगा ना हम बोले मुंह मीठा करो होम्योपैथिक दवाई देंगे, क्योंकि अब तो मैं होम्योपैथिक दवाई मैंने छोड़ दी, क्या किया इसने भैया आपने मारा इसको, घर पे कोई अंकल आया चोमू ऐसे रो रहा जैसे की माँ मर गई हो, मादरी जिंदा है अंदर भी, उन्होंने इसको मारा होगा पक्का, ऐसे थोड़ी रोता है ये सही बात होता नहीं, ऐसे करके बताओ
होता होगा हमारा। यार बेचारा बोल भी नहीं सकता। देखो हम गूंगा बच्चा लाए अपने पास, इसको गूंगे वाले स्कूल भेजना पड़ेगा। छोटे से बच्चे को किसने बात दिया? सुंदरी मुंदरी, तू मेरी सुंदरी मुंदरी। यार तू मुझे मुश्क क्यों आती है यार? तू टट्टी बली है इसलिए मुझे गंदी मुश्क आती है यार। कल परसों ही तो नहलाया था इसको यार। हर जगह प्यार करना, क्या पता कहाँ लगी है। हाथ पांव सारी जगह प्यार कर। मैं और मेरी बहन तब से लेट की सोच रहे की कौन सी जगह जाए। तू बस फोकस क्या मार रही है? तू क्या मेरा कैमरा मैन है? हाँ। भाई मेरा मैनेजर बना है, तू कैमरा मैन, राजी मेकअप आर्टिस्ट, असिस्टेंट हूँ ना। असिस्टेंट, असिस्टेंट वार्डन। यमू को मैं उठाती हूँ हर जगह जाने टाइम, सब कुछ मैं करती हूँ। फालतू थप्पड़ मारूंगी मुंह पे खींच के एक। मजा है बिस्ती का के। बिस्ती खाती रहती है पूरे दिन मेरे से। अभी हाई कर रही है ना, अगर कैमरा नहीं होता ना बोलती ये भी क्या हो गया दीदी, बड़े बदतमीज यार आप। पहले हिंदी बोल रहे ब्लॉग देखा था, कुंजी मारने लगे। चावल नहीं सेड़े, चावल सेड़ने लगी। मैं याद है आप बैठ के मैं रोती होती थी, मम्मा लिप्टन चाय बना कर था। मैं बचपन में गई ना, दुनिया अपना हाथ खराब किया है। मैं स्कूल से आके यहाँ बैठ के रोती होती थी, मेरे को लिप्टन चाय भी दी है, मम्मा नहीं देते थे। मम्मा बोलते पहले रोटी खा, पहले रोटी खा। मम्मा ये डब्बा किसका है? ये था किसी मिठाई का डब्बा ना, तू ले ले। ये मिठाई का डब्बा ऐसे तो नहीं होता, ये मैं ले लूँ दवाई डालूंगी। किसी और लड़की को ऐसा डब्बा मिले उसमें अपना मेकअप का सामान डाले, अपनी दवाइयाँ डालूंगी। पीपल फॉल इन लव विद द रॉन्ग पीपल समटाइम्स। लोग ऐसे करते ना। बंद करके अंधेरा हो जाता है ना अंदर, है ना? नीचे देखना। बचपन में हम यही कुछ करते थे पता है, बंद करके देखते थे अंधेरा हुआ कि नहीं अंदर, सिर्फ थोड़ा सा ऐसे करके। ये खाने के लिए, ये बचा हुआ फेस पे लगाने के लिए। कुछ लोग खाना खाते टाइम मेरा व्लॉग देखते हैं, आपको उल्टी तो नहीं आ रही देख के? ऐसी लग रही हूँ, ऐसी लग रही हूँ। मेरे को लगा आपको मुंह में फोड़े हो गए। इतने बड़े पूरे कैसे लग रही हो? बहुत सही, बहुत सही। लौंग घूमती तो नहीं आएगी देख के? हाँ आएगी। खाओगे पपाया? चलो यार खा लेती हूँ। ठीक है ठीक है, खा लेती हूँ। पागल तो मम्मा, इतनी पागल थोड़ी यार, इतनी भी पागल नहीं हो यार। पेपर चेक कर रहे हो? ट्यूशन वो कितना कोड मारा बच्चे ने, 8 किसी को 0 दिए, 0 नहीं दिए किसी को। मेरी मम्मा ने ट्यूशन का ग्रुप बनाया हुआ, अभी मैंने देखो और देखना। गीता वाले ट्यूशन, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये सुने। हाँ तो ये है एक वीडियो, बड़ी अच्छी वीडियो है। लोग क्या बच्चे बेचारे डिप्रेस हो गए हैं आगे लॉकडाउन में, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में नहीं लगता मन मम्मा, जिनका नहीं मन लगता उनको जबरदस्ती पढ़ाई में मन लगवाने की जरूरत नहीं है। हमको अपनी जिंदगी जीने दो बच्चों को। कल ट्यूशन में बच्चे आएंगे, बताती हूँ मैं उनको, बोलूंगी जो बच्चों को जो मन करता है आप वो करो। मेरे बच्चों को नहीं मन करता है वो करो, ठीक है? फालतू की पढ़ाई होगी, बिछमत भागो, ठीक है? यार कहीं जाना है, कहाँ जाऊँ? कहीं जाना है, कहाँ जाऊँ? कहीं जाना है, कहाँ जाऊँ? चिल्ले में जाऊँ बताओ यार, कहीं घूमने जाना है, जगह पास हो, टांगे भी ना दुखे और सुंदर भी। फुवारा गार्डन, फुवारा गार्डन ये पास है हमको। नमन स्थल, हमको बचपन में हमेशा वही लेके जाते थे। नमन स्थल जा, नमन स्थल बहुत लोग होंगे ना, रश नहीं चाहिए ना, लोग फिर फैन आ जाएंगे। मैम ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। हाय 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 हाय, तुम इतने में जुड़ रही हो यार, मजाक कर रही हूँ। लोगों की शांति वाली जगह जाना यार, मैं चोमू बस दू बस, बाजू दुख जाती है यार। क्या जिंदगी है, क्या क्या करना पड़ता है व्लॉग के लिए, और आप बोलते हो कि डेली व्लॉग करो। बहुत जोर के चांटा था मेरे को, कान में पस पड़ी है। ये देखो यहाँ मेरा अंग खराब हुआ है, तो मैं भी पड़ी है इसमें भी पड़ी है। क्या डाला था? कुछ नहीं डाला, ऐसी अपने आप पड़ जाती है, हर साल पड़ती है 2-3 महीने के लिए। थप्पड़ मारा ना अपने यहाँ पे, प्यार करो, विशाली करते हैं प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। मैं बहुत गलत बात है, आप ब्लॉग मेरे को आजकल बहुत कूट रहे हो, मैं आपको छोड़ूंगी। ये देखिए 10 रुपए दी, दोनों साथ में फेंको ना। 20 रुपए, 2 रुपए और ये 100 रुपए। ट्रांसमिशन भी होते रुजा, सोच रहे थे कैसे करते हैं यार, कैसे करते हैं। लो जी होगी ट्रांजिशन। ये बहुत ज्यादा नींद में, बहुत ज्यादा इनको नींद आई है, 2 बार सो चुके हैं। 2 बार सोई नहीं हूँ जबकि लिए यार, मेरे को बहुत नींद आई है। पर ये मैं इनको स्ट्रॉन्ग चाय भी बना के लाई दे रही हूँ, लेकिन चाय मतलब पीऊंगी क्योंकि
मैं जल्दी उठी थी ना तो मेरी रूटीन खराब हो जाएगी अगर मैं सो गई वापस। मैडम दो मिनट के लिए आंखें बंद करती हूँ, दो मिनट के आंखें और खुलवा देना ठीक है यार। एक मिनट में चाय पीऊंगी, एक मिनट। मैं आपको बताती हूँ, ये पिछले दो बार ऐसी को मैं देखो मैं कैसे करती हूँ, ये दो बार ऐसे कर चुके हैं इन्होंने मेरे को बोला कि एक मिनट के लिए सोंगी। ऐसा हो सकता है किसी बंदे को नींद आई और वो एक मिनट के लिए लेटे आंखें बंद करे और फिर दूसरा बंदा मेरी बाजू पकड़ के सो रहे थे कि एक मिनट बाद मेरे को जगा देना, फिर मैंने जगा बोला चाय बना के ला, तो अब चाय बना के लाइए तो अब वापस यही कर रहे हैं। लाइक मदर लाइक सन, ये भी सोया हुआ। अब क्या किया जाए बताओ, फिर उठोगे रीदा, फिर एक मिनट का आधा घंटा बन जाएगा। कान खड़ा कुछ बताओ यार, शायद इसको दर्द हो रही है। पूरा पनीर खा गया, इतना बड़ा पनीर दिया। चाय गर्म करके ला और साथ ना जो पनीर लाई है ना चोमू के लिए उसमें से ना थोड़ा सा मेरे को ना पनीर ऐसे थोड़ा गर्म करके दे दे तवे पे। जल्दी उठा चाय भी, बाद में मेरे को नहीं बोलना प्लीज। चाय गर्म करके ला, थोड़ा सा दूध डाल के लाना थोड़ा, और साथ पनीर लेके आना चोमू के लिए। कोको तू क्या खाएगा, बहुत गंदी आवाज निकाली तूने कोको की। कोको हम दोनों सो जाते हैं ठीक है यार, मैं डेली ब्लॉगिंग कैसे करूंगी, अभी नहीं करूंगी इन फ्यूचर करूंगी, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तब करूंगी। मैं और मेरा भाई स्पॉन्ज बॉब देख रहे हैं, अब मैं खाऊंगी पनीर। ये पार्टी तो मतलब कसम से, मतलब ये पार्टी तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है ना। वो स्पॉन्ज बॉब अभी सर्वाइकल की एक्सरसाइज करेगा, ये देखो प्रॉपर सेम नहीं कर रहा, पाँव नहीं उठाने पर बाजू ऊपर करनी है, ऐसे करना है ठीक है। हम बाहर जा रहे हैं और मेरा यही है, मुझे त्यारों के मुंह धो देती हूँ यार। हम घर से निकले, पीछे बेटा वो कोकी की बेटी दोनों आ गए, अब इतनी दूर तक आ गए, अब इनको बिस्किट डाले रास्ते में, इनको बिस्किट चाहिए नहीं, इनको पता नहीं क्या चाहिए। कुत्ता देखना सुकड़ा, गली को कुत्ता देखना तगड़ा। बेटा क्या चाहिए, हमारा कुत्ता बीमार है ना, पता नहीं तगड़ा ही नहीं होता यार। कितनी आगे आओगे, जाओ घर जाओ घर जाओ घर जाओ घर जाओ घर जाओ घर जाओ। छोटे से बच्चा घर जाओ यार। क्या हम घर से निकलते, हमको जाने नहीं देते कुत्ते, उसको देखना छोटा सा है, घर का रास्ता भूल जाएगा। उसको ना चोमू पसंद आ गया, ये चलते चलते हम पता नहीं कहाँ आ गए। हमारा मिशन था कि आज हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे और पानी की आवाज आ रही है और हम उस साइड जा रहे हैं। अरे यहाँ पे तो पानी है, रुक जाओ दूसरे रास्ते से चलते। ये देखो हम कहाँ पहुँच गए, उसको गिरियो मत। चोमू कैसा लग रहा है, मैं तो बहुत थक गई हूँ, दोनों साइड पानी पानी है, पता अगर गिर गया ना वो बस आगे पानी है, ध्यान से आना, यहाँ पे कीचड़ भी है, स्लिपरी है, बहुत ज्यादा स्लिपरी है। चोमू सोच रहा होगा इसको दरिया में डुबोने ले जा रहे, अब बोल बस यहाँ पे आगे क्योंकि रास्ता ही नहीं आएगा। फाइनली किसी जगह पहुंचे, सिनेमैटिक वगैरह नहीं लेती मैं। चोमू देखो क्या राजाओं की तरह लेट के आ रहा है, सेठ लग रहा है, सेठ सेठ साहब थक गए, वो भी मेरे साथ थक जाते हैं। मैं बहुत थकी हूं, पर मेरे को उठाने वाला कोई नहीं है, दीदी मेरे को भी उठाना होगा। मेरी सही चीज है कोई, अभी ऑफिस गई थी। मैं हमेशा त्यारों के मुंह धो देती हूँ यार। देखो यार, देखो क्या मतलब क्या है यार, थोड़ा तो इसी लास्ट में डाल दूंगी ताकि आपको उल्टी ना आए, अपने खाना खा लिया हो फिर उसके बाद उल्टी ना आए, ठीक है ठीक है। सॉरी। अच्छा ठीक है नहीं आप खाना खा सकते, मेरा ब्लॉग देखते, सॉरी आज के बाद नहीं करूंगी।